सॉरी, 8 का, दोहा का। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हेलो गर्ल्स। मैम फाइन, तमे केम छो? मैम फाइन। ओके, वेरी गुड। चलो तो हमने अगले लेक्चर में लेसन नंबर 8 का रिवीजन कर लिया है। ओके, तो लेसन नंबर 7 जो है वो ढूंढते रह जाओगे। वो एक हम जिसे कहते हैं ना कि गुजराती में आपने जेने कहे ना कि उखाणा, तो एवी ज रीते हिंदी में छे ढूंढते रह जाओगे। तो एमा पण आपने एवा ज क्वेश्चन करीने पूछेला छे, तो એના આપણે એને આન્સર પહેલીના આન્સર આપવાના છે। તો ઈ આપણે થઈ ગયું છે, બરાબર છે? તો આપણે આજ હમ આગે કા લેસન જો હે, લેસન નંબર 4 ઉસકા રિવિઝન કર લેતે થોડા બહુ। ઓકે, સેમ FA1 મે સે લેસન 2 પૂછના પૂછા જાયેગા ઓર FA2 મે સે લેસન નંબર 4 પૂછા જાયેગા। तो आज हम लेसन नंबर 4 का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, लेसन नंबर 8 का तो हमारा रिवीजन हो गया ना बेटा, दोहे का। हेलो गर्ल्स, मैम लेसन 4 नो थई गयो छे, रिवीजन थई गयो छे। तो लेसन नंबर मैम कछ नहीं और करनी करियो तू। ओके, तो लेसन नंबर 8 का भी रिवीजन हो गया है ना? हेलो, नहीं मैम ई नथी थियो। नहीं हुआ? ओके, कोई बात नहीं, चलो तो दोहे का रिवीजन कर लेते हैं। इस दोहे में क्या क्या है कि दोहे में कबीर जी जो है, तुलसीदास, कबीर जी और रहीम, रहीम, ये तीनों के दोहे हमें यहाँ पर, हमें संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये सब सिखाते हैं। सबके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, तो ये सब हमें सिखाते हैं। पहली बात तो ये कि दोहा यानी कि क्या, दोहा का मतलब क्या होता है? तो दोहे का मतलब होता है एक छोटा सा छंद, यानी कि काव्य पंक्ति जैसा, जो हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी हैं। तो ऐसे दोहों में, छंद में कविताएं लिखते थे पहले के कवि। तो दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। यहाँ पर हमें कितने दोहे दिए गए हैं? 8। 8 यस, तो यहाँ पर हमें कबीर जी के 3, तुलसीदास जी ने 3 और रहीम के 2 दिए गए। रहीम के 3 और तुलसीदास के 2 दोहे यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलो देख लेते हैं हम इस दोहे को कि इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं, और इन दोहों में से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा भी मिलती है। तो कबीर जी जो है वो 15वीं शताब्दी के कवि है और ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। दूसरे है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी जो है ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है और इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तीसरे कवि जो है वह है रहीम जी। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे और इन्होंने हिंदी में बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। चलो देख लेते हैं कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के दोहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
यानी कि यहाँ पर कबीर जी हमें कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व बढ़ नहीं जाता, यानी कि बड़े तो खजूर के पेड़ भी होते हैं, ना तो उनसे किसी को इजीली फल मिल सकते हैं सहलाई से, और ना ही किसी को छाया मिलती है। तो यानी कि बहुत पैसे वाला होना या बहुत हाइट होना ये कोई गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात तो कब होती है कि जब हम किसी को मदद रूप हो। तो इसीलिए यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व बढ़ नहीं जाता, और किसी की ऊंचा यदि बड़ी हो तो उसका भी कोई महत्व नहीं रहता। यदि वो किसी के काम न आए, किसी को मदद रूप न हो, तो ऐसी ऊंचाई किस काम की। जैसे कि खजूर का पेड़ जो है वो ना तो किसी को फल इजीली देते हैं और ना किसी को छाया, तो ऐसे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। नंबर दो। यस बेटा, हेलो। મારો અવાજ કપાય છે? હેલો, અભી અવાજ કટ કે આ રહી બેટા? યા ઠીક સે આ રહી હે? હેલો, નહીં મેમ, હવે બરાબર આવે છે। ઓકે। સાધુ એસા ચાહીએ જેસા સૂપ સુભાય, સાર સાર કો ગહી રહે થોથા દેઈ ઉડાય। યાની કી સાધુ, યાની કી સજ્જન પુરુષ। साधु का मतलब कोई संत महात्मा नहीं यहाँ पर बताया गया है, लेकिन साधु का मतलब है सज्जन पुरुष, यानी कि अच्छा व्यक्ति, यानी कि उसमें स्त्री भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकते हैं। तो वही सज्जन है जो जिसका स्वभाव सूप जैसा हो। सूप यानी कि वह पीने वाला सूप नहीं, लेकिन सूप यानी जिसे हम गुजराती में कहते हैं सुपड़ू। तो सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए, जो अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को उड़ा देता है। तो उसी तरह सज्जन पुरुष भी अच्छी बातों को ग्रहण करे और व्यर्थ बातों को छोड़ दे। नंबर तीन। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी फलाए। यानी कि कबीर जी क्या कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वो कितना भी पछताती है, हाथ मलती रहती है, पर उनसे उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। तो सचमुच लालच बहुत बुरी चीज है। आपको, आपने देखा होगा कि कई बार हमने सुना है कि कोई व्यक्ति लालच में आकर बुरे काम करने में लग जाते हैं, लेकिन यदि वह बुरे काम करने में लग जाते हैं तो बाद में उसे पछताना ही पड़ता है। तो हमें कभी किसी भी वस्तु की लालच में आना चाहिए नहीं, हमें अपने हक का ही लेना चाहिए। ये हुए कबीर जी के तीन दोहे। इसके बाद अब है तुलसीदास जी के दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे संसार में तरह तरह के अलग अलग लोग हैं। अभी भी स्लो है बेटा? नो मैम, बरोबर छे। હેલો, સંભળાય છે બેટા બરાબર હવે? હા મેમ। ઓકે। તુલસી ઇસ સંસાર મેં ભાતિ ભાતિ કે લોગ, યાની કે અલગ અલગ તરહ તરહ કે લોગ હમારે સંસાર મેં રહેતે હે, ઓર હમ સબ કે સાથ હમે મિલજુલ કર રહેના ચાહીએ। જૈસે કે નદી ઓર નાવ કા સંયોગ રહેતા હે, તો ઇસી તરહ હમે સબ કે સાથ મિલજુલ કર રહેના ચાહીએ। ओके। नंबर पांच। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खा ली जाए, मुए ढोर के जाम से लोह भस्म हो जाए। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें गरीब लोगों की कभी भी हाय नहीं लेनी चाहिए,
उसकी बद्दुआ कभी निष्फल नहीं जाती, तो हमें किसी की हाय लेनी चाहिए नहीं, कभी हमें उसका अपमान करना चाहिए नहीं, कभी हमें उसका तिरस्कार करना चाहिए नहीं, उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अमीर लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि गरीब की लहाय यदि हमें लग जाए तो वह मुए ढोर के चाम से बनी, यानी कि मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी जो होती है वह लोहे को भी भस्म कर देती है। तो ये गरीब लोगों की हाय जो है वह यदि हमें लग जाए तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है, और उसकी हाय जो है वह कभी निष्फल नहीं जाती। तो इसीलिए हमें गरीब लोगों के साथ भी कभी बुरा बर्ताव करना चाहिए नहीं, हमेशा उनके साथ भी हमें अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए। इसके बाद आते हैं रहीम जी के 3 दोहे। रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम का धागा जो है, किसी के साथ हमारा अच्छा संबंध है, वो जल्दी से हमें तोड़ देना नहीं चाहिए। चटका यानी जल्दी से किसी के भी साथ हमें खींच कर झटके से तोड़ देना चाहिए नहीं, तो टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, यानी कि एक बार हमारा किसी के साथ अच्छा संबंध टूट जाता है तो जैसे कि टूटे हुए धागे के अंदर गांठ पड़ने पर ही जुड़ता है, तो उसी तरह हमारा संबंध जो है वो भी फिर से गांठ पड़ने पर ही जुड़ता है, और उसमें गांठ पड़ जाती है तो पहले जैसा मधुर संबंध नहीं रहता। तो इसीलिए हमें किसी के साथ जल्दी से संबंध तोड़ देना चाहिए नहीं। कई बार हमें पता होता है कि हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, फिर भी हमें लेट गो करके उसे जाने देना चाहिए। उसके बाद है नंबर 7। सरोवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पानी, कही रहीम कर पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजाने। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष सरोवर यानी कि वृक्ष जो है वह अपने फल खुद नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पानी, यानी कि सरोवर जो है तालाब जो है वह खुद अपना पानी कभी नहीं पीते। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजाने। संपत्ति यानी कि हमारी दौलत, धन संपत्ति। संचय ही यानी कि संग्रह करना, सुजानी यानी कि सज्जन लोग। तो कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजानी, यानी कि हमेशा सज्जन लोग जो होते हैं वो संपत्ति का संग्रह किसके लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। तो हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद है नंबर 8। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लोगों को धमकाना चाहिए नहीं, डराना चाहिए नहीं। डारी का मतलब होता है डराना, धमकाना या छोड़ देना, उसको त्याग कर देना, उपेक्षा करना। तो हमें कभी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को छोड़ देना चाहिए नहीं, क्योंकि जहां पर छोटे लोग हमारे काम आ सकते हैं वहां पर बड़े लोग हमारे काम नहीं आते। जैसे कि जहां पर सुई का काम होता है वहां पर तलवार नहीं चल सकती, हमें कपड़े सीने के लिए सुई का ही उपयोग करना पड़ता है, वहां पर तलवार का उपयोग नहीं होता। तो इसी तरह हमें भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को छोड़ देना चाहिए नहीं। तो सबको
ये आठ के आठ जो दोहे है वो समझ में आ गए बेटा? यस मैम। ओके ओके, तो चलो अब यस मैम, इस दोहों को मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपने इसमें क्या समझा। ओके, तो मिसबा प्रेजेंट है? यस मैम। हेलो, हाँ बट वो आंसर नहीं दे रही है ना बेटा। मिसबा मैम मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता। ट्राई तो करो बेटा, जहाँ पर आपकी मिस्टेक होगी वहां पर मैं बोलूंगी। ओके मिसबा, हेलो, हाँ चलो बेटा ट्राई तो करो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसका मतलब क्या होता है? हेलो, ओके चलो अलमाज। यस मैम। हाँ चलो, ये दोहे जो है वो समझाओ बेटा। ओके मैम, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब मैम अगर हम बड़े हैं तो, या हमारी हाइट बड़ी है तो ऐसे नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम गरीबों के काम भी आने चाहिए। जैसे खजूर का पेड़ वो बड़ा भी होता है लेकिन किसी को छाया भी नहीं देता और फल भी नहीं मिलते आसानी से, तो हमें किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी हाइट ऊंची है या हमारी संपत्ति ज्यादा है। यस वेरी गुड। ओके नंबर टू, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाई, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई। मतलब अच्छा इंसान ऐसा होना चाहिए सर, जैसे सुपड़ी होती है वो अच्छा अनाज अपने पास रखती है और जो वो होता है उसे उड़ा देती है। हाँ, तो हमें अच्छा ज्ञान अपने पास रखना चाहिए और बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रही और लिपटाई, हाथ मले और सिर घूने, लालच बुरी भलाई। मतलब मक्खी जो लालच में आके गुड़ पे बैठ जाती है और बाद में उसके पंख और हाथ सब कुछ चिपक जाता है। अगर उसने लालच नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता, तो इसमें ये बता रहे कि लालच बुरी बला है। यस, हमें अपनी वस्तु पर ही अपना हक जताना चाहिए, दूसरों की वस्तु की हमें लालच करनी चाहिए नहीं, हमें हमेशा अपने हक की ही वस्तु लेनी चाहिए। ओके चलो, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। मतलब भले इस संसार में भांति भांति के अलग अलग जाति के और अलग अलग जगह के लोग हैं, मगर हमें इस तरह हिल मिल कर रहना चाहिए जैसे नदी और नाव। नाव के बिना नदी के बिना नाव नहीं चल सकती, ऐसे हमें रहना चाहिए हिल मिल कर। ओके, तुलसी हाय गरीब की कबहू ना खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। मतलब हमें गरीब की कभी हाय नहीं लेनी चाहिए, उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए कि वो हमें हाय दे, क्योंकि मरे हुए जानवर की चमड़ी से लोहा भी भस्म हो जाता है। बनी धोकनी जो आती है फुकनी, तो उनसे हम फूक मार मार के लोहा भी चला सकते हैं। तो वो गरीब की हाय जो है, यदि वो हमें लग जाए
तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए हमें कभी गरीब की हाय लेनी चाहिए नहीं। ओके चलो। सही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना छूड़े छूड़े गांठ पड़ जाए। मतलब प्रेम का जो धागा होता है उसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उसे जैसा मधुर होता है वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि जब वो टूट जाता है और गांठ से जुड़ता है तो रिश्ते में उतनी अच्छाई नहीं रहती है। इसलिए हमें अगर कुछ बुरा होता है और उसमें हमारा फॉल्ट ना हो तब भी हमें जाने देना चाहिए, क्योंकि हमें धागा हमेशा बने बनाए रखना चाहिए। वेरी गुड। ओके नंबर सेवन। तरोवर फल नहीं खाता, सरोवर पिए ना पानी, वही रहीम प्रकाशहीन संपत्ति संचयी सुजानी। मतलब वृक्ष जो है वो अपने फल नहीं खाता और सरोवर जो है अपना पानी नहीं पीता, लेकिन अगर हम अमीर है तो हमें इसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए और हमें अपनी जो संपत्ति है वो गरीबों की मदद के लिए रखनी चाहिए। हम यदि संपत्ति का संग्रह करते हैं तो वो दूसरों की भलाई में हमें यूज करना चाहिए और दूसरों को मदद रूप होना चाहिए। ओके नंबर एट। रहीवन देखा बढ़ने को लधु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। मतलब गरीबों को छोटा समझ के हमें अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। वेरी गुड। बहुत अच्छी तरह से आपने सभी दोहे समझाए। ओके तो चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कन्यानी हूँ मेरा, कन्यानी हूँ मेरा प्रेजेंट है बेटा। हेलो लाखानी जैनब। यस मैम। हाँ चलो ये क्वेश्चन आंसर रीड करो बेटा। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर वन। बड़े लोगों की संकुचित मन स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। नंबर दो। क्वेश्चन नंबर टू। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारा युक्त वस्तु ग्रहण कर निसार वस्तु को बाहर फेंक देता है। क्वेश्चन नंबर थ्री। तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर फोर। आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्या दूर करें। क्वेश्चन नंबर फाइव।
सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? संपत्त लोग दूसरों का भला करने में अपनी सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं ओके चलो वेरी गुड। अभी से रीड करेंगे महक। महक हेलो, महक प्रेजेंट है बेटा? हेलो यस। ओके चलो रीड करो बेटा। पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों बेटा। साधु कैसा होना चाहिए? साधु सुख जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सुख कटते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख ले तो लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। इसी तरह साधु के सुट वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। सेकंड, कभी जी लाज को क्यों बुरी बेटा किसका माइक अनम्यूट है? हेलो किसका माइक अनम्यूट है बेटा? ओके कंटिन्यू। लालच क्योंकि व्यक्ति की लालच व्यक्ति की गूंद और उसके विवेक को बुद्धि और व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। ओके चलो। लालच और की बुद्धि लालच व्यक्ति की बुद्धि को उसके विवेक की नष्ट कर देता है। मक्खो लालच के कारण गुह पर बैठती है और उसे लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और मक्खी लालच के कारण गुड़ पे बैठती है और उसे फैस जाती है। फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। इसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वो अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। बुरी चीज कहते हैं। ओके चलो। भीमानी सकीना कैन आई मैम? भीमानी सकीना आपका नाम? सैनब रूपानी। सैनब रूपानी बेटा आपकी टेंथ तो आ गई ना? नो मैम। ओके चलो तो रीड करो। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्या मना करते हैं? क्यों मना करते हैं? प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट ना जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
ओके ये ब्लैंक चलो रीड कर बेटे। ओके मैम। साधु कैसा साधु ऐसा चाहिए जैसा डैश सुभाय सूप। तुलसी इस संसार में डैश के लोग भांति भांति के लोग। तुलसी डैश गरीब की कभी कभू न खाली जाए हाय। रही मन डैश प्रेम का मत तोड़ना चटकाए धागा। कहीं रहीम डैश हित संपत्ति सच ही सुजानी प्रकाश ही सुजानी प्रकाश। ओके चलो अब इसे रीड करेंगे। Yes, ma'am. MCQs. Number one, कभी कैसी बुरा बातें है। ए कभी किसे बुरा बताते कभी कैसा बुरा आपके पीछे बहुत आवाज आ रही है बेटा। हेलो सकीना। हेलो हिमानी सकीना। ओके चलो अब इसे कौन रीड करेगा। हेलो यस मैम। यस इसे रीड करो बेटा। हेलो यस मैम कैन आई रीड। हाँ तो चलो फिर रीड करो बेटा। मैम पहले से करूँ। हाँ कभी किसे बुरा बताते हैं। नंबर ए नफरत। नंबर बी बैर। नंबर तीन गरीबों। नंबर डी लालच। लालच इजहार किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। ए किसान का। बी स्त्री का। सी साधु का। बी नौकर का। आंसर साधु का। लोहार की खोखनी से लोहा क्या हो जाता है। नंबर ए सोने। बी भस्म। सी नरम। डी चमकीला। आंसर भस्म। गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती। नंबर ए टोकरी। बी झोली। सी हाय। डी दुआ। आंसर हाय। प्रेम का धागा तोड़ने की सिर्फ किसने दी है। ए डी रहीम ने। आंसर रहीम। ओके चलो ओके चलो अब किसकी टर्न नहीं है बेटा रीडिंग में। हेलो गर्ल। हेलो
हेलो यस मैम। ओवन फातिमा प्रेजेंट है? हेलो गर्ल्स, हैलरी फैजा, शेख आयशा, हेलो हेलो गर्ल मैम वो रीड करू? तुम्हारा नाम बेटा? शेख मिसबा। हाँ ओके चलो। मक्खी को सिर गुनने की नौबत क्यों आती है? मक्खी को सिर गुनने की नौबत आती है क्योंकि वह गुड़ खाने के लालच में पड़ती है। नंबर थ्री, गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। नंबर चार, तुलसी जी ने हिल मिलकर रहने के लिए किसका उदाहरण दिया है? तुलसी ने हिल मिलकर रहने के लिए नदी और नाव के योग का उदाहरण दिया है। नंबर पांच, प्रेम के धागे गांठ कब बढ़ जाती है? प्रेम के टूटे हुए को फिर से जोड़ने पर गांठ बढ़ जाती है। नंबर छह, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ओके चलो वेरी गुड। तो आज हमने लेसन नंबर 8 दोहा जो है उसका रिवीजन कर लिया। ओके तो अब आप सबको लेसन नंबर 7 का रिवीजन घर पर करना है। ओके बेटा, और आज की हिंदी की टेस्ट के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। मैम मैम हिंदी की टेस्ट में ऑप्शन आएंगे।